हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बुंडी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ईवीएस 1 लेसन नंबर 15 माय डिस्ट्रिक्ट माय स्टेट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला और स्टेट मीन्स राज्य। हमारा जिला और हमारा राज्य। ओके, ट्राई दिस, यानी ये करके देखना है हमें। स्टडी अ बिग ट्री इन योर लोकेलिटी यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब आपके नीचे दिए गए मुद्दों पर अपने परिसर में किसी बड़े वृक्ष का आपको निरीक्षण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। मतलब वृक्ष के विभिन्न भाग कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस पार्ट्स आर सीन ऑन अ ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब इनमें कौन कौन से घटक भाग वृक्ष में अधिक बार दिखते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री एंड व्हाट इज इट अटैच टू। मतलब वृक्ष का सबसे छोटा भाग कौन सा है और वह किससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री हैज़ मेनी स्मॉल ब्रांचेस, व्हाट आर दे अटैच टू। मतलब वृक्ष में बहुत सी छोटी छोटी डालियां है और वे किससे जुड़ी हुई होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिग ब्रांचेस डज द ट्रंक ऑफ द ट्री हैव। मतलब वृक्ष के तने में जुड़ी हुई बड़ी डालियां कितनी है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। To be complete, a tree must have several components such as leaves, small branches, big branches, a trunk, etc. in the same way. Our state too is made up of many settlements, villages, towns, talukas and districts. You will understand this better by looking at the diagram on the facing page. मतलब वृक्ष तैयार होने में पत्तियाँ, छोटी डालियाँ, बड़ी डालियाँ, तना या अन्य कई घटकों या भागों की आवश्यकता होती है। और हमारा राज्य भी ऐसी ही छोटी बस्तियों, गांवों, तहसीलों और जिलों से मिलकर निर्मित हुआ है। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र की सहायता से इसे आपको समझना है। नेक्स्ट है, डू यू नो, मतलब क्या तुम जानते हो। Man began to farm the land. His fields were near water. He settled near his farms and began to live there. In this way, hamlets and settlements were formed. These hamlets and settlements grew into villages, which then developed into cities. मतलब मनुष्य खेती करने लगा और उसकी खेती पानी के पास होती थी और वह खेत के पास बस्ती बनाकर रहने लगा। इस प्रकार बहुत सी बाड़ियाँ, बस्तियाँ बन गई और इन बाड़ियों, बस्तियों के आगे चलकर गांव बन गए और गांवों की संख्या बढ़ने पर महानगरों का निर्माण हुआ। आया समझ में। अभी नेक्स्ट पेज है, मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। मतलब हमें मैप से दोस्ती करनी है। ओके, और बताएं, कलर द टाउन, तालुका, डिस्ट्रिक्ट गिवन बिलो इन डिफरेंट कलर्स। मतलब नीचे दिए गए गांव, तहसील और जिले को अलग अलग कलर से आपको कलर करना है। ओके, यानी यहाँ पे नीचे हमें गांव दिया है, तालुका दिया है और डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तालुका और डिस्ट्रिक्ट दिए है। तीनों को अलग अलग कलर से आपको कलर करना है। आया समझ में। नेक्स्ट, बाय फॉलोइंग द पिक्चर्स गिवन दे हियर यू कैन सी हाउ विलेजेस, सिटीज एंड टाउन्स फॉर्म
अ तालुका, तालुकास फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अ स्टेट। मतलब यहाँ दिए गए चित्र द्वारा आपको समझना है कि गांव, गांव से तहसील, तहसील से जिला, जिलों से और राज्य और जिलों से क्या होता है राज्य। अच्छे से समझो कि इस चित्र से हमें समझता है कि गांव, तो गांव से क्या तहसील बनता है, तहसील से क्या जिला और जिले से क्या बनता है राज्य। इस प्रकार निर्मिति स्टेट की हुई है। ओके, और यहाँ पे हमें ये अवर महाराष्ट्र स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट का मैप यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।